बताना चाहूँगा आपको भी हैवी डंबल मतलब आप अगर आप अकेले हो तो इजी वे मतलब उठाने का ये मैम ये मेरे जिम का सबसे हैवी डंबल है 50 केजी ईच मुश्किल नहीं है कई बार लगता है हमें भी बहुत मुश्किल होगा अगर आपने ग्रुप में किया हुआ है तो मैं जस्ट ये इतना बताना चाहता हूँ डिपेंडेंसी जो मैंने ये चीज पहले ही बोल रहा डिपेंडेंसी मत बनाओ अपने आप को हर चीज आप खुद भी कर सकते हो अब मैं बताता हूँ डंबल लिया आराम से इसको रख लो थाई पे रख लिया पहले ग्रिप ग्रिप आपकी पूरी टाइट ग्रिप में कॉम्प्रोमाइज मत करना भी कहीं थोड़ी सी भी लाइट रहेगी तो वो रिस्की है डंबल कुछ नहीं टॉप पे आपका पैर होना चाहिए टॉप पे इसलिए क्योंकि इसको पुश लेना होता है टॉप पे करके जब आप लेना है पहले एक डंबल पुश करेंगे फिर दूसरा डैश स्टार्ट और एक चीज ब्रीथिंग बहुत जरूरी है जैसे नीचे जाते हो ऊपर आए यहां आगे और विसल की तरह ब्रीथ आउट करनी है ऐसे नहीं विसल की तरह फिर गए देना और अब जब रखना है तो इसे उसी पोस्चर पे दोनों लेग ऊपर दिस इज वे वी कैसे उठाना चाहिए कैसे रखना चाहिए और ब्रीथ आउट बहुत जरूरी है सो गाइस वी आर इन PMN जिम राइट नाउ एंड वी आर विद रिकी सो नाउ ही इज गोना गिव अस अ लवली टूर ऑफ दिस जिम सो लेट्स गो आइए ये हमारा सारा कार्डियो सेक्शन है हमने एक ये कार्डियो सेक्शन बनाया है हमारे इक्विपमेंट और कार्डियो सेक्शन बहुत बड़ा हुआ है तो ये अपराइट बाइक्स है 5-1 रिकम्बेंट बाइक है क्रॉस ट्रेनर्स और उसके बाद ये हमारे 6 ट्रेडमिल्स आपको इक्विपमेंट ये है रियर किक ये हमारे हैंडस्टैंड के लिए है मैं आपको ये करके बताता हूँ ये कैसे यूज करते हैं ये पोजीशन होती है रियर किक की नीचे पैर ऐसे टच करना पड़ता है और दिस और ये वे होता है इसको पुश करना और उसमें बस स्लो बैक ये प्रॉपर आपके हैंडस्टैंड मसल के लिए और बहुत अच्छी मतलब पर्टिकुलर की एक्सरसाइजिंग होती है हैमस्ट्रिंग होती है एक एक्सरसाइज बेंटी डंबल के साथ उसमें क्या होता है हमें पेन लेना पड़ता है उस मसल से पर ये ऐसे इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पेन ऑटोमेटिकली ही आएगा ये हमारी काब मशीन है हैवी लेग प्रेस है ये हमारी हमारे पास ये 1 kg से लेके मतलब 2.5 kg की रेशो के बाद 50 kg तक डंबल है डिप्स मशीन ये बहुत सही है मशीन रीजन भी मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या इसका कोई आता है ना फ्रेशर जो मैं पहले बात की है फ्रेशर क्योंकि ना स्ट्रेंथनिंग होती है इंटरनली उनको पता ही नहीं होता हम ऐसे कर सकते हैं तो मैनुअल डिप्स होती है एक्सरसाइज तो वो नहीं कर पाते क्योंकि पूरा ही जोर चाहिए ये ग्रिप है इसकी इसकी पोजीशन है एक तो ये पोजीशन होगी एक ये पोजीशन बहुत ही पेनफुल है और ये करने का वे आप जब बैठते हो तो बॉडी आगे की ओर बेंट होनी चाहिए रीजन मैं आपको इसका बताऊंगा तो ऊपर जब आप नीचे जाते हो तो बॉडी स्ट्रक्चर भी सीधा होता जाता है ये रीजन क्या है आगे बेंट होने का रीजन ये है कि आपकी आर्म्स ऊपर तक जाए जितना मैं जब आप बेंच डिप्स करते हो तो मतलब आप मैक्सिमम नीचे जा पाओगे पर इसमें आप आगे जाओगे तो ये मैक्सिमम ऊपर जाएगा क्योंकि जितना ऊपर जाएगा मसल उतना ही अच्छा शेप लेगा ये जो डंबल फ्लाई की एक्सरसाइज है बहुत ही कम होएगा जो ये एक्यूरेट करेगा मैं आपको इसकी वर्किंग दिखाता हूँ आपको आर्म्स में ये चीज बताना चाहता हूँ ये देखो इस टाइम ये जो पोस्चर है मेरी आर्म का शोल्डर से लेके एल्बो एक लेवल पे है और पर रिस्ट पार्ट मेरा जो भी है फोरआर्म पार्ट वो उससे डाउन है मैं ये चीज आपको बताना चाहता हूँ जो फ्लाई में एक्सरसाइज होती है ना फ्लाई ये होता है पोस्चर ये पोस्चर इसलिए होता है कि ये जो आपकी फोरआर्म है ये थोड़ा डाउन होना चाहिए नहीं तो लोग ऐसे करते हैं
ये थोड़ा सा बस ये उसका ऑल्टरनेट अभी हम लेकर आए भी एक पोजीशन आदत बन जाए बंदे को मूवमेंट की। ये है कि हमारा वो डंबल है और ये हमारे डंबल है जो हम ऊपर रख नहीं सकते क्योंकि हम अगर हम रखेंगे कोई उठा ही नहीं पाएगा। ये बच्चा कर रहा होता है जिम तो कई बार उसके पेरेंट्स आते हैं तो कहते हैं भाई इतना हैवी क्यों कर रहा है, इसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं उनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जिस बंदे ने 80 kg की बेंच की हो ना, जिस कोच ने, तो अपने स्टूडेंट को 70 भी नहीं कराएगा। रीज़न बीइंग पता क्या है, क्योंकि वो 80 तक वो कोच ने इतना मुश्किल से करता होगा ना, वो कहेगा नहीं नहीं बस इस ऊपर तो वो मुश्किल है। और जिस बंदे ने क्विंटल दो क्विंटल बेंच की है ना, उसको सब पता होगा भी ये ऐसे कुछ नहीं होता इंजरी। तो एक अच्छा कोच हो जो सिंसियर हो, वो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा उसके वे ऑफ टॉकिंग से और सबसे मेन उसकी गाइडेंस से, आपको पहले दिन ही पता लग जाएगा। और ये बात बोलूँ, आप लोग जब जाते हो जिम तो ये मत सोचो हम फ्रेशर हैं हमें कुछ नहीं आता। आपकी जितनी नॉलेज है ना, आप कोच को से बात जरूर करना, ये बहुत जरूरी चीज़ है। आप अपने कोच से बात करो, आपको ऑन द स्पॉट ही पता लग जाएगा ये हमारे लायक है कि नहीं। ये बहुत जरूरी चीज़ है ये अवेयरनेस। आजकल के ट्रेनर के क्या थॉट है? आजकल के ट्रेनर के थॉट सिंपल भी, इनकम कैसे की जाए। कोई भी बच्चा जिम जाता है तो उनको डाइट नहीं पता होती भी, डाइट कैसे लेनी है, क्या करनी है, डाइट नहीं बताएंगे वो बताएंगे, वो ये चीज़ सोचेंगे कि हम इनकम कहाँ से करें। उसमें ये नहीं देखेंगे बच्चे का लॉस क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। वो हमेशा कोई भी बच्चा है उसको बोलेंगे सप्लीमेंट लीजिए आप पहले, फिर पर्सनल ट्रेनिंग पे जाते हैं। अगर एक फ्रेशर बच्चा आ रहा है, फ्रेश आ रहा है, सप्लीमेंट की नीड तब पड़ती है जब बंदा बहुत हाई लेवल का जिम कर रहा है। अब उनको यही नहीं पता होता भी उसने करना किस वे पे वो जिम लगाए, यही नहीं पूछेंगे। ये पूछेंगे भी हाँ भी पहले सप्लीमेंट लीजिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा आजकल के कोच मनी माइंडेड, वो उनके लिए ये कुछ मैटर नहीं करता भी हाँ वो बच्चे के लिए हार्मफुल होगा, कुछ मैटर नहीं करता। और इसके साइड इफेक्ट इतने बुरे हैं ना, आपको पता ही नहीं लगेगा क्या होने लग जाएगा। जैसे आप जिम कर रहे हो सप्लीमेंट, और एक चीज़ और, मतलब वो ये चीज़ नहीं बोलेंगे, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। सप्लीमेंट कोई लेता है, कोई भी सप्लीमेंट्री में जाता है तो उसको ये होना चाहिए, उसको यूज़ अगर करता भी है तो कम टाइम के लिए, जैसे एक महीना यूज़ किया तो उसको गैप डालना चाहिए एटलीस्ट 15 days। रीज़न बीइंग क्योंकि जब आप कोई चीज़ ले रहे हो सप्लीमेंट्री कुछ, वो बॉडी में यूज हो जाता है। और आजकल ट्रेनर को यही नहीं पता सप्लीमेंट की लोडिंग क्या होती है। लोडिंग होती है पहले सप्लीमेंट की, जिसने आज तक सप्लीमेंट नहीं लिया तो पहले उसकी बॉडी में लोडिंग होती है। लोडिंग में क्या होता है, पहले 2-3 दिन की लोडिंग होती है, उसके बाद ये कोर्स चलता है 1 महीने का, और 1 महीने बाद 15-20 दिन का गैप जरूरी है। अगर आप नहीं गैप करते, आप कॉन्टीन्यूटी में चल रहे हो ना, तो आपकी यहाँ माइंड में एक चीज बैठ जाएगी भी आज प्रोटीन पी है, आज बड़ी अच्छी बेंच लगी, आज प्रोटीन चेंज की है, ये तो उस पहले वाले से भी अच्छा हो गया। तो ये चीज़ नहीं है, ये आप डिपेंडेंसी बना रहे हो अपनी। तो इन चीज़ों से डिपेंडेंसी मत बनाओ, शौक टेस्ट रखो, आदत मत डालो, अगर आदत डालोगे तो वो नुकसान। तो गाइस आई जस्ट वांट टू थैंक रिकी फॉर गिविंग अस अ वेरी नाइस सेशन एंड गिविंग अस वेरी गुड टिप्स अबाउट लिफ्टिंग हैवी वेट्स, प्रॉपर वे टू एक्सरसाइज। तो आई जस्ट वांट टू थैंक रिकी सो मच फॉर दिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।